find mode of a vector and mode of b vector if it is given that a vector minus b vector dot a vector plus b vector is equal to 27 and mode of a vector is equal to 2 times of b vector ठीक है तो सबसे पहले इसे हम simplify करते हैं तो हमें जो given है वो लिखते हैं तो लिखा हुआ a vector minus b vector का dot product इसके साथ में a vector plus b vector के साथ में है ना ये हमें given है किसे equal है 27 के equal है तो ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर करेंगे सबसे पहले तो आएगा ए वैक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वैक्टर करेंगे देन उसके बाद में हम क्या करेंगे करेंगे प्लस अब की डॉट तो प्लस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर एंड देन फिर माइनस ऑफ बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर करेंगे और हमें गिवन है इक्वल है ट्वेंटी सेवन के इक्वल है अब ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर क्या होता है मोड ऑफ ए वैक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वी नो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो ये कैंसिल आउट हो गया बचा क्या हमारे पास में माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये है इक्वल टू मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर ये वैल्यू कैसे इक्वल आ गई यहां से 27 के इक्वल आ गई अब हमें ये भी गिवन है मोड ऑफ ए वेक्टर क्या है टू टाइम्स ऑफ मोड ऑफ बी वेक्टर तो मोड ऑफ इसे लिख सकता हूं टू टाइम्स ऑफ मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इनडायरेक्टली और आ जाएगा माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 27. So, अभी से तो अब इसे जैसे मैं माइनस करूंगा तो क्या जाएगा फोर टाइम्स ऑफ मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 27. तो माइनस करती क्या जाएगी वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी तो यहां से वैल्यू क्या गई

6. So this is the answer for this question.